मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लॉकडाउन में सभी लोग अपनी फेवरेट मिठाई मिस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलेबियों की। तो सभी लोग गर्मा गर्म कुरकुरा नाश्ता जलेबियों का मिस कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पे बहुत ही आसानी से जलेबी बना सकते हैं, वो भी इंस्टेंट। केवल 10 मिनट के अंदर ये जलेबियाँ तैयार हो जाती हैं। इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो इस बार लॉकडाउन में आप इन जलेबियों को ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इन्हें इन्जॉय करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जलेबी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, कर्ड लिया मैंने, और इसके अलावा मैंने इसमें रिफाइंड फ्लावर या मैदा लिया है। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1 कप मैदा या रिफाइंड फ्लावर ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दही। तो ये घर का दही है और कर्ड है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। और इसमें मैं 2 पिंच के करीब फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 2 चुटकी फूड कलर है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। और इसका एक बैटर बनाना है हमें, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का इसका एक बैटर बनेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप इसमें पानी ऐड करते रहिए, और पानी ऐड करने के साथ ही आप इसमें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, आप इसे मिक्स भी करते रहिए पानी ऐड करने के साथ। तो बस इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है इसको। तो बस ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर जो है बन गया है। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर बन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड कलर का फूड कलर, ताकि इसका एक ऑरेंजिश कलर आ जाए। तो बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, ये हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी। तो बस ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा बैटर लगभग तैयार है। तो अब हम इसे रख देंगे और तब तक हम अपना शुगर सिरप बना लेंगे, यानी चाशनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप जो है शुगर ली है, चीनी ली है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। तो हमने जितनी शुगर ली है उतना ही इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी बॉयल होगी तो उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगी ये। तो देखिए, इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें 2 इलायची जो है उसे मैंने इस तरीके से तोड़ के ऐड कर दिया है। इलायची से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपके पास अगर केसर है तो आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 नींबू का रस। तो इससे क्या होता है, हमारी चाशनी जो होती है वो बिल्कुल साफ बनती है, यानी चाशनी में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती, बिल्कुल क्लीन चाशनी बनती है। और नींबू डालने से ऐसा नहीं है कि खट्टा टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने बहुत कम ऐड किया। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, येलो फूड कलर 2 पिंच, ताकि इसमें जो है कलर आ जाए थोड़ा सा चाशनी में, और वो जलेबियों पे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं इसमें 1 बूंद रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये ऑरेंजिश कलर आ जाए जैसे बाजार की जलेबियों में होता है वैसे। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसका। तो बस हमें इस चाशनी को बॉईल करना है तब तक जब तक ये थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए। हमें बिल्कुल 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है इसको, बिल्कुल हल्का सा चिपचिपी होती है, हाथ में चिपकने लगे तो चाशनी हमारी तैयार है। तो आप बस गैस को बंद करके अब हम अपनी जलेबियाँ तल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप देसी घी लिया है। तो हम जलेबियों को देसी घी में बनाएंगे, क्योंकि देसी घी में इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इन्हें रिफाइंड फ्लावर में भी बना सकते हैं। अब जलेबियों को बनाने के लिए या तो आप इस तरीके से सॉस की बॉटल ले लीजिए, अगर आपके पास है तो बहुत ईजिली, और अगर नहीं है तो आप बेसिकली किसी भी पॉलीथिन को या फिर दूध की जो पॉलीथिन होती है उसमें इस बैटर को डाल के इसका एक पाइपिंग बैग बना लीजिए, तो ये सबसे अच्छा है। इसको मैंने इस पॉलीथिन में लिया और इसको इस तरीके से भर लिया मैंने साइड में, और बस ये हमारा पाइपिंग बैग बनके तैयार है। और हम इसे आगे से कट कर देंगे जितनी भी साइज़ की हमें जलेबियाँ बनानी है उसी साइज़ की। तो बस अब हम जलेबियाँ तल लेते हैं। हमें इनको लो फ्लेम पर तलना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जलेबी को नहीं तलते, बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे इनको पकाना है। जब हम इसे धीरे धीरे हम इसकी मीडियम फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट में आपकी जलेबियाँ जो है दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से, जब आप लगे कि एक साइड से हल्का इनका कलर चेंज होने लगा है तो आप इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक क्रिस्पी होने तक पका लीजिए और फ्राई कर लीजिए। और जैसे ही हमारी गोल्डन हो जाए उसके बाद आप इन्हें चाशनी में डिप कर दीजिए।
तो ये देखिए ये हमारी चाशनी भी गरम गरम है। आपको जलेबियों को बिल्कुल गरम गरम चाशनी डालना है तभी ये बिल्कुल अंदर तक जाएंगी इसके, और जलेबियों को बिल्कुल गरम ही डालना है। ऐसे नहीं कि आप सारी जलेबियाँ बना के रख लें और उसके बाद उसे चाशनी में डिप करें, एक साइड आप जलेबी बनाते जाएँ और एक साइड आप एक चाशनी में से डिप करते जाएँ। तो ये है हमारी जलेबियाँ बन के तैयार, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और करारी कुरकुरी मीठी जलेबियाँ बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविता क्रिएटिविटी को देखते रहिए। थैंक यू।